हजरत आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। नशर किया जाता है जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहां किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहां के मजहबी प्रोग्राम यहां अपलोड हों तो हमसे रब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी व्हाट्सएप नंबर 07878574416। चेहरे के मल के रोज़े सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है गुनहगार का नमक। हर जख्म पे बिलाल ये कहते थे झूठ कर ये तो जख्म है लज्जत इजहार का नमक। अपना हुया पराया शाबान कोई खाते हैं सब सब मेरे सरकार का नमक। अपना हुया पराया शाबान कोई खाते हैं सब सब मेरे सरकार का नमक। ये जो कंबाइंड इत्तेहाद की सूरत में ये आज से नहीं तकरीबन बरसों से चली आ रही है। जब पाकिस्तान का शायर कहता है ये शजर तुम्हें झुककर सलाम करते हैं ये जान तारे तेरा इहतराम करते हैं जमी का अर्शे मुअल्ला है तेरा गुंबदे सब सब तेरी गली में फरिश्ते कयाम करते हैं। तो हिंदुस्तान का एक शायर कहता है कि गुजर रहे हैं सितारों के शहर से सरकार कदम कदम पे फरिश्ते सलाम करते हैं। जब पाकिस्तान की सरजमी से मुजफ्फर वारसी ये कहता है कि बख्ते सियाह को जबी आली पर रख दिया सूरज ने अपना दस्त सुवाली पर रख दिया मैंने तो मांगे थे सिर्फ डाली के चंद फूल सारा चमन दुआओं के थाली में रख दिया। तो हिंदुस्तान का असीर बुरहानपुरी कहता है कि सदका रसूल पाक ने सदका रसूल पाक का बाटा खुदा ने जब थोड़ा सा हुस्न जान के थाली में रख दिया। जब मुल्के पाकिस्तान की सरजमी से एक नाबीना शायर एक अंधा शायर इकबाल अजीज ये कहता है कि मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा और उसी में एक शेर ये पढ़ता है कि किसी के हाथ ने पढ़कर सहारा दे दिया वरना कहां मैं और कहां वो रास्ता पेचीदा पेचीदा। तो हिंदुस्तान के शायर कहता है कि ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। तो दोनों मुल्कों ने नादिया शायरी को अपने इहाते में लिए हुए हैं और जिन जमीनों पर तकरीबन 300 या 400 सालों से शेर नहीं कहे गए थे और नहीं पढ़े गए थे आज उन जमीनों पर भी शेर कहे जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मुझको जिस शेर के लिए इशारा होता है और मैं अकराम की जानिब से मैं शेर को आपके हवाले करूं। मैं समझता हूं उससे माहौल जितने लोग यहां बैठे हुए हैं आगे से लेकर पीछे तक दाएं से लेकर बाएं तक सब लोग अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूलल्लाह। अब आप खुदा को शेर सुने कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। अब कब बोलेंगे मेरे इंतकाल के बाद तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। अब ये शेर में उनसे मुखातिब जिनका चेहरा सुबह सुबह देख ले तो दिन भर आपकी बहनी नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का
पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। नबी भी कहते हो इल्मे ग़ैब के मुनकिर, तुम्ही बताओ ये गोलमाल है कि नहीं। नबी भी कहते हो इल्मे ग़ैब के मुनकिर, तुम्ही बताओ ये गोलमाल है कि नहीं। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ सामईन के पैकर में उलमा इकराम के रूप में एक लहजा है, जिस लहजे को हम ही और आप नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान शायर हजरत मौलाना महदूर रहमान कलकत्तवी के नाम से मौसूम करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी नादिया शायरी के सौगात सामईन की झोली में रखते हैं, उनकी तरफ से जो दुआएं मिलेंगी वो आपके लिए तोहफे आखिरत साबित होगी। जी अता